नमस्कार, सिंपल कुकिंग से मैं आपकी होस्ट उल्टी गुल्डी बात कर रही हूँ। आज महाराष्ट्रियन रेसिपी में मैं आपको वाल की रेसिपी बताने वाली हूँ। जैसे आप हरे मटर का निमोना बनाते हो, तो हम लोग उस निमोना को, उस सब्जी को हम उसल ऐसा मराठी में बोलते हैं, तो वालाची उसल, तो हम लोग इस उसल को बिरड ये शब्द यूज करते हैं। तो चलिए हम अभी वाल का बिरडा देखते हैं कैसा बनाते, वाल क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर एक प्रांत में हर एक चीज मिलती है ऐसा नहीं, पर फिर भी मैं आपको वो रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए किचन में। वाल का बिरडा बनाने के लिए पहले तो मैंने ये वाल भिगाए थे और इनको जैसे वाल का बिरडा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये वाल भिगाए थे और ये देखिए, ये इनको मैंने ऐसे, इसको हम मोड़ बोलते हैं, आप अंकुर बोलते होगे, तो ये मैंने अंकुर लाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में हम अब तेल डालेंगे। कढ़ाई अच्छी गर्म हो गई है तो मैंने गैस बंद कर दिया था। थोड़ा सा तेल मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। 3 चम्मच तेल मैंने इस रेसिपी के लिए यूज किया है। अब मैं गैस लगा देती हूँ। जैसे आप मटर का हरा निमोना बनाने के लिए हरी चटनी आप पीस लेते हो, वैसा मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और जीरा और नमक डालकर ये चटनी अच्छे से पीस ली है। अब ये सब चीज़ें तो आपके पहचान की है, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जितना मटेरियल है इसमें मैंने राई डाली, उस हिसाब से मैंने ये हरी मिर्च की चटनी बना ली जो हम इसमें डालने वाले हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला। अब मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें डालूंगी। तो अब थोड़ा सा प्याज, प्याज डालकर मैं थोड़ा सा इसे हिला लूंगी। थोड़ा सा प्याज नरम होने देते हैं, बाद में हम ये हरी चटनी इसमें मिला देंगे। थोड़ा प्याज नरम होने दीजिए, क्योंकि हम बिरडे में पानी डालने वाले हैं तो प्याज वैसे भी पकेगा। प्याज मीठा होता है, ये वाल का बिरडा भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं थोड़ी सी चटनी इसमें डाल रही हूँ। मेरा जो मटेरियल है उस हिसाब से मैंने इसमें चटनी डाली है। अब मैं इसको हिला लूँगी अच्छे से। चटनी को भी तेल में होने देते हैं, थोड़ा सा तेल छूटने लगेगा तो उसके बाद हम इसमें थोड़ी हल्दी डाल देंगे। अब इसकी खुशबू फैल रही है पूरे घर में। वाल का महत्व यह है कि अगर आपको इंडाइजेशन है, अगर आपका पेट दर्द कर रहा है, अगर आपके कान में दर्द है, आपकी बार बार कमर दुखती है, हमेशा कमर दर्द का आपको तकलीफ है, तो आपके खाने में हर 8 दिन में ये वाल होना चाहिए। ये वाल भीगने के बाद इसके छिलके निकाल कर इसको बनाते हैं। तो अभी देखिए, मैं इसमें थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी को भी अच्छे से मिला लेते हैं। और अभी जैसे प्याज में से, ये चटनी में से तेल बाहर निकल रहा है और इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल गई, तो ये बहुत अच्छा बन गया है। अब हम इसमें ये वाल डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें गीला नारियल डाला जाता है और
जो कोकम रहता है, कोकम को पानी में भिगाकर फिर कोकम का रस इसमें डाला जाता है ताकि जब आप ये वाल खाओगे तो आपको गैस ना हो। इसीलिए इसमें, क्योंकि वाल की तासीर थोड़ी अलग होती है, तो अभी मैं थोड़ा सा ढक्कन रखकर इसको एक भाप लेके आने वाली हूँ और बाद में इसमें वो कोकम का पानी और नमक डाल। एक भाप में इसको लेके आती हूँ क्योंकि वो मसाले पूरे वाल को लगने चाहिए। सॉरी, अब जैसे भाप निकल रही है तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये नमक मैंने ये मटेरियल के हिसाब से नमक इसमें डाला है। अब ये जो कोकम का पानी बना के रखा था मैंने, ये कोकम का पानी मैं अब इसमें डाल रही हूँ। एक और दो और तीन चम्मच मैंने कोकम का पानी डाल दिया है। अब हम इसको हिला लेंगे और थोड़ा सा और इसको भाप लाएंगे। कोकम के पानी में और नमक में ये थोड़ा पकना चाहिए। बाद में हम सादा पानी भी इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हम उसे एक भाप आने देते हैं और अभी खोल के देखते हैं। इसकी खुशबू अब सारे घर में फैल गई है। देखिए धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता। पकने को ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ऑलरेडी भीगा हुआ रहता है। पहले भी हम इसको भिगाते हैं, फिर उसको पोटली में बांध के उसको अंकुर लाते हैं। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बस पानी डालकर मैं इसको गैस बढ़ा कर देती हूँ थोड़ा, और फिर हम इसको ढक के अभी रखेंगे। जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसमें ये जो नारियल मैंने मिक्सर में क्रश करके लिया है, ये नारियल हम इसमें डालेंगे और सजाते समय हम ये हरा धनिया उसके ऊपर डालेंगे। तो अब जब ये पक जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा वाल का बिरडा पक गया है, ये देखिए अच्छे से पका है। और ये जो दाना है ये मैं इसमें थाली में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। अगर हम हाथ से मोड़ते हैं तो ये देखिए ये टूट रहा है। तो ये अब मेरा पक गया है। अब इसमें मैं ये थोड़ा नीला नारियल डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब इसको हम हिला देंगे अच्छे से। आप इसे दाल के, चावल के साथ, रोटी के साथ, या फिर आपने अगर पाव सेका है तो पाव के साथ भी आप इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं। हमारा वाल का हरा बिरडा तैयार हो गया। जैसे आप मटर का हरा निमोना बनाते हो तो हमारे यहाँ ये भी अनाज उगता है, तो हम इसका भी बनाते हैं। तो देखिए अब हम इसको सजाएंगे। मैं अभी गैस बंद कर रही हूँ। अब ये मैंने प्लेट ली है और अब मैं इसमें ये बिरडा डाल रही हूँ। अब इसको सिर्फ सजाने के लिए मैं ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। वैसे भी हमारा वाल का बिरडा भी हरा ही है, तो हरा धनिया मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब आपको कैसे लगा ये वाल का बिरडा मुझे कमेंट करके बताना। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है
तो मुझे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, 5 फायदे तो इसके ऐसे हैं कि अगर आपका कान में दर्द है तो इस वाल का रस निकालकर कान में 2 बूंद डालते हैं। पेट में दर्द है, डाइजेशन है, कमर आपकी बार बार रोज दुखती है, पाँव में दर्द है, तो आप अगर ये सब्जी 8 दिन में एक बार बनाकर खाओगे तो 2 महीने में आपको इसका आराम मिलेगा। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर ये सब्जी 8 दिन में एक बार खाते हो तो डाइजेशन पूरा वो आपकी अतड़िया साफ कर देता है। तो मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर भेजिए। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी